हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ritastadka। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मिल्क केक। और ये मिल्क केक खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि और मिठाइयों से जो इसका टेस्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, इसीलिए इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। और फ्रेंड्स, आप इसे किसी भी फेस्टिवल पे कभी भी बना सकते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत कम लगते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पास में दिए हुए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिल्क केक बनाने के लिए हमें चाहिए दूध। तो यहाँ हमने 2 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, इसके लिए फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें। तो इसको हमने कढ़ाई में उबलने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि इसे आप किसी मोटे तले वाली कढ़ाई में उबालें, पतले तले वाली ना यूज़ करें। और ना ही इसके लिए आप नॉनस्टिक कढ़ाई यूज़ करें, इसे नॉर्मल कढ़ाई में ही बनाएं। और इसे मीडियम फ्लेम पे हम इसी तरीके से उबालेंगे चलाते हुए, जिससे कि नीचे ना लगे। तो फ्रेंड्स, हमने बीच बीच में चलाते हुए इस दूध को उबाल लिया है। और आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ चुका है। जैसे ही इसमें उबाल आएगा, गैस को हम लो फ्लेम पे कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस दूध को जब तक उबालना है जब तक ये दूध हमारा गाढ़ा नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप बीच बीच में इस दूध को ज़रूर चलाएं, जिससे कि तले में दूध लगे ना। और जो साइड की मलाई है इसको भी बीच बीच में हटाते रहें। तो या तो आप इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही पकने दें या मीडियम फ्लेम पे पकाएं, लेकिन चलाना आपको दोनों ही तरीक़ों से है। तो इसी तरीके से इसको बीच बीच में चलाते हुए हम इसे पका लेते हैं दूध को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध को हमने इतना पका लिया है कि वो हाफ क्वांटिटी में रह गया है। और जो साइड की मलाई है उसको भी हम इस तरीके से हटाते रहे हैं। तो अभी हमें इस दूध को और पकाना है, तो इस दूध को पकने देते हैं। और अब हमें चाहिए एक मीडियम साइज़ का नींबू, इसका रस निकाल लेते हैं। और साथ ही में हम इस दूध में ऐड करेंगे मिल्क पाउडर, हाफ कप से कम है मिल्क पाउडर डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी हलवाई जो मिल्क केक बनाते हैं वो मिल्क पाउडर का ज़रूर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिल्क केक में। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर मिल्क केक बनाइए, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पका लेते हैं। तो फ्रेंड, जितनी देर में हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है इतने हम कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड टिन ली है, आप केक टिन भी ले सकते हैं या कोई भी भगोना ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसी तरीके का बर्तन चाहिए जिसमें हम मिल्क केक को सेट कर सकें। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे और चारों साइड इस तरीके से इसे फैला लेंगे, जिससे कि मिल्क केक निकालने में हमें आसानी हो। ये तैयारी आपको करके रखनी है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह दूध हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है दूध की। तो इस स्टेज पे अब हम यहाँ पे इसमें नींबू का रस डालेंगे। तो ये नींबू का रस हमने निकाल लिया था, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच पानी। और अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। ध्यान रखें एक साथ नींबू का रस ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और बस इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ये जो दूध है हमारा फट गया है, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से फट गया है। तो 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही पका लेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स, नींबू का रस डालने के बाद हमने इसे 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पका लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। तो शुगर हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कप से थोड़ा सा कम, अगर ग्राम से मापेंगे तो 200 ग्राम शुगर है। और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और फिर से इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड, चीनी आप यहाँ पे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके की कंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो फ्रेंड, चीनी डालने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाया है। और आप देख सकते हैं ये एकदम दानेदार हो गया है। तो अब हम इसे जब तक पकाएंगे जब तक ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना हो जाए। और ध्यान रखें इसे हमें लगातार चलाना है, अगर हम इसे लगातार नहीं चलाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा घी, ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम। और फिर से हम इसे लगातार चलाएँगे जब तक ये अच्छी तरीके से भुन ना जाए। और बस अब हम इसमें से क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर अलग निकाल लेंगे, ज़्यादा नहीं निकालना, थोड़ा सा ही निकालना है। बिल्कुल ये जमने वाली कंसिस्टेंसी पे हो गया है और इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे भून लिया है, हल्का सा इसमें कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे और अब हम इसे सेट करेंगे। तो बस अब हमने जो ब्रेड टिन तैयार की थी उसमें मिक्सचर डाल देंगे और इसे चारों साइड से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे स्पून की हेल्प से। तो फ्रेंड्स, इसमें हाथों का यूज़ ना करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसे सेट करने के बाद इसी के ऊपर हम दूसरा मिक्सचर डाल देंगे जो हमने हल्का भुना है और इसे भी चारों साइड से अच्छी तरीके से सेट कर देंगे।
दबाते हुए इसे सेट करना है। इसे हमने अच्छी तरीके से सेट कर लिया है, आप देख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे फॉइल। इसे फॉइल से इस तरीके से कवर कर देंगे अच्छे से, और इसे किसी भी टॉवल में लपेट के रख देंगे। तो कोई भी टॉवल ले लें और उसके ऊपर इस तरीके से इसे ढक देंगे और 2 घंटे के लिए इसे रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 2 घंटे हो चुके हैं और मिल्क केक हमारा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। निकाल लेते हैं इसे और इसकी फॉइल भी हटा देंगे, और अब हम चाकू की हेल्प से इसे निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे निकालने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो आप गैस पे थोड़ा सा इसे गर्म कर लें, जिससे कि जो नीचे का घी है वो मेल्ट हो जाए, फिर ये आसानी से निकल जाएगा। और इसे उल्टा करके ऐसे टैप करेंगे तो ईजीली निकल जाएगा। अब इसे हम कट करेंगे, किसी भी साइज़ में कट कर लें। फ्रेंड्स, मैं अब आपको दिखाती हूँ मिल्क केक कैसा बना है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया मिल्क केक बना है, एकदम दानेदार। इसे खाने के बाद फ्रेंड्स आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि ये मिल्क केक आपने घर में बनाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।